हिंदू साम्राज्य दिवस ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी पर पड़ता है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का दिवस है और इस वर्ष शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का 350वां वर्ष है, जो 20 जून यानी आज है। यह राज्याभिषेक समारोह रायगढ़ किले पर संपन्न हुआ था। हिंदू हृदय सम्राट व मराठा गौरव की उपाधि से अलंकृत पश्चिम में भारतीय गणराज्य के महानायक छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के जुनार से शिवनेर दुर्ग में शाहजी भोंसले और माता जीजाबाई के घर हुआ था। शिवाजी ने जनता के दिलों को जीत लिया था और वह बड़े से बड़े संकट में कूदने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ गुप्त सम्मेलन आयोजित किए और हिंदू उत्पीड़न खत्म करने के लिए मुस्लिम नियंत्रण से अपने देश की मुक्ति पर विचार विमर्श किया। शिवाजी के राजनीतिक आदर्श ऐसे थे कि उन्हें आज भी बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किया जा सकता है। उनका उद्देश्य अपने अधीनस्थों को शांति, सार्वभौमिक सहिष्णुता, सभी धर्मों के प्रति समान अवसर, एक प्रशस्त, सक्रिय और शुद्ध प्रशासनिक प्रणाली, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नौसेना और देश की सुरक्षा के लिए एक प्रशिक्षित सेना देना था। नेपोलियन की तरह शिवाजी अपने समय के एक महान संगठक और नागरिक संस्थानों के निर्माता थे। अपने कुशल रणनीति और पराक्रम के चलते शिवाजी बहुत ही कम समय में लाखों हेक्टेयर भूमि, पहाड़ी व समुद्री किलों और एक विशाल सेना के नायक बन गए थे। भारतीय जनमानस उन्हें अपने भाग्य को बदलने वाले व्यक्ति के रूप में देखने लगा था। कवि भूषण ने उन्हें हिंदूपति पातशाह कहा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सैकड़ों साल पहले स्वराज्य, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेश के पुनरुत्थान के लिए जो कार्य किया है, उसकी तुलना आज तक भी किसी से नहीं की जा सकती। छत्रपति शिवाजी महाराज उस जमाने में एक ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने विदेशी सल्तनत से खुद को अलग रखा और अपना स्वतंत्र राज्य निर्माण किया। वे मात्र एक व्यक्ति नहीं, वे एक विचार और एक युग प्रवर्तक के शिल्पकार थे। वह एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर शासक थे। धार्मिक कार्य में उनकी काफ़ी रुचि थी। रामायण और महाभारत का वे नित्य अभ्यास करते थे। उनका पुरुषार्थ देखने के बाद सबको भरोसा हो गया था कि वे फिर से हिंदू समाज, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र को प्रगति पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। उनका राज्याभिषेक संपूर्ण हिंदू राष्ट्र के लिए एक बड़ा संदेश था। 1645 के आसपास छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी रणनीति से बीजापुर सल्तनत के तहत पुणे के आसपास इनायत खान से तोरण, फिरंगोजी, नरसाला से चाकन और आदिल शाह के गवर्नर से कोंडाना किले जीत लिए थे और उनके शासन में सभी की सहभागिता रहती थी। सामान्य मछुआरों से लेकर वेद शास्त्र पंडित सभी उनके राज्य शासन में सहभागी थे और छुआछूत का कोई स्थान नहीं था। 6 जून 1674 को रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य रोहण समारोह हुआ था। अपने अधीन किलों के नाम उन्होंने संस्कृत भाषा में रखे थे और मानसरोवर से दक्षिण सागर तक हिंदू राज्य है, ऐसा शिवाजी महाराज का मानना था। धर्म उनके राज्य का आधार था। काशी का मंदिर टूटा, उन्होंने औरंगजेब को उसके विरोध में पत्र लिखा कि अब मुझे उत्तर की ओर आना पड़ेगा। उनकी एक और बड़ी खासियत एक विशाल नौसेना भी थी, जिसके प्रमुख थे मयंक भंडारी। विदेशों में प्रिंटिंग मशीन मंगवाकर उसका अध्ययन किया, फिर भारतीय प्रिंटिंग मशीन बनवाने का भी प्रयास किया। अपने आसपास के लोगों में से योग्य लोगों की एक टीम खड़ी करना और सही व्यक्ति को सही कार्य सौंपना जो उसकी क्षमता और प्रतिभा के अनुरूप हो, एक आदर्श नायक में होने वाली यह कला शिवाजी महाराज में थी।